मैं वापस आ गया और सबसे पहले सिचुएशन से निपट लेते हैं। अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, पिछले एपिसोड में हमें अपना चौथा स्टूडियो बिल्ड करवाना होता है, मियोन हमें नकली बिल्डर देता है भाई, ज़्यादा मांगने वाला, ज़्यादा पैसे मांगने वाला, हम दूसरे बिल्डर लेते हैं, लेकिन भाई वो गुंडे भेज देता है, मतलब वो बिल्डर ही हमारे बिल्डर को मारने के लिए आता है और फिर गुंडे वाले के आता है। भाई क्या चल रहा है इधर? तो हमारा जो बंदा होता है वो मतोक, वो जासूसी करना स्टार्ट कर देता है कि भला ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है इधर। अब मैं यहाँ पर एक सीक्रेट शॉप होती है वो ढूंढने आया था, ये रोबोट वाला बंदा मिल जाता है, डॉक्टर एलियंग। ओके ओके, क्या हुआ भाई? अच्छा, इसके पास एक रोबोट है, बहुत बढ़िया। फिर ये बोलता है कि मेरे को 2000 रुपये दो, मैं 2000 में तुम्हें ये रोबोट दे दूंगा। ठीक है भाई, ले ले रोबोट, मतलब दे दे रोबोट 2000 रुपये में, ज़रा मैं 2000 रुपये लेके आता हूँ। हाँ, तो 2000 रुपये का रोबोट मेरे पूरे थिएटर को साफ सुथरा सफ़ेद कर देगा, मेरा झाड़ू का काम बच जाएगा भाई। अभी ज़रा इस ड्राइवर से बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। अब इसने ज़िंदगी में कभी कचरा नहीं देखा होता तो बोलते हैं कचरा का एक सैंपल दे दो मेरे को, तो मैं इसको कचरे का एक सैंपल देता हूँ और भाई ये प्रोसेसिंग चालू है इसकी और बिगड़ गया। बहुत बढ़िया, क्या रोबोट बना है, खरीदते ही बिगड़ गया, मेरे 2000 रुपये पानी में गए। अब इसको सर्किट बोर्ड भी लेके आओ, बहुत बढ़िया। मैं पहले इससे बात कर लेता हूँ, क्या चल रहा है भाई, कैसे है वो? ओके ठीक है, अच्छा चेयर चाहिए, ओके ठीक है मैं लेके आता हूँ अभी चेयर। तो वो बिल्डर हमें इसका पता देता है, टोक्यो जनरल स्टोर का। हाँ ठीक है, हाँ पता है, बता भाई कितना पैसा देना पड़ेगा तेरे को। इसको चाहिए क्या, पैसा चाहिए क्या? इसको पैसे चाहिए, ठीक है लेके आते हैं भाई। इसके लिए 5000 रुपये लेते हैं, तेरे लिए 3000 रुपये। ये अब दूसरे दिन रोबोट के पास आए हो? ओके हाँ ओके ठीक है। हैं साले तू रोबोट है क्या, पानी मांग, साले मेरे से कोका कोला मांग रहा है, कोका कोला ये है इधर, बस थोड़ा उसका नाम चेंज कर दिया है। ले 4 कोका कोला की बॉटल ले ले तू। हाँ ठीक है, हाँ चलो गया ये काम करने के लिए, ये देखते हैं क्या हम काम करता है ये काम चोर। साला अपने क्रिएटर की ज़्यादा बड़े मार रहा है, मेरे से पगार भी लेगा, मेरे से 4 कोका कोला भी लेगा, 2000 रुपये भी लेगा, बहुत बढ़िया। और वजह भी क्या दी है कि मेरे पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं, मेरे को पगार दो तो मैं खुद की मेंटेनेंस करूँगा। पहला रोबोट देख रहा हूँ जो ज़िंदगी में खुद, पहला रोबोट मैंने ज़िंदगी में देखा है जो खुद की मेंटेनेंस खुद ही कर रहा है। नहीं उससे बेटर उस भूत को काम पे रख लूँ जिसने मेरे को पकड़ा था। ले भाई तेरे लिए पैसे, तेरा पैसा ले। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, आगे बता। अरे ये कौन है? अरे तो अपना बंदा आ गया भाई। ओके हाँ ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली तेरे को? हैं अच्छा, वो दोनों अपने सिनेमा के पास है, मतलब उसका तो हम ये रोटी चचा का सिनेमा उसके पास खड़े हैं, बहुत बढ़िया। इसको नींद आ रही है, जा भाई जा। ओके जा भाई जा, तू नींद में सोने के लिए जा, मैं उन दोनों का सिर फोड़ के आता हूँ, मेरे को गड़बड़ घोटाला लग रहा है। आओ जरा देखते हैं, चेक करते हैं क्या चल रहा है, इनकी खिचड़ी, क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ओए नियॉन के बच्चे, ये क्या किया साला? उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हमें अभी क्या करना चाहिए बता? उसने अपना कैफे भी खोल लिया, अब क्या करें? तुझे इतना सा काम दिया था, इतना बड़ा मेयर बना फिरता है, कुछ करना वरना तो तेरे को है नहीं, है किस काम का तू? Don't underestimate the power of Mayor Neon. उस सब की चिंता तू मत कर, मैंने अपने आदमी मंगाए, बिल्डर बहुत उछल रहा है, उसकी बिल्डिंग मैं तोड़ता हूँ अभी। मैंने अपने आदमी मंगाए, वो कल उसे मार डालेंगे। ये अपनी फिल्म की शूटिंग जुड़ के इधर आ गया, इसको समझाना पड़ेगा, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, बता क्या करे अब? ये मुझे उससे लड़ने से रोक रही है, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे, वो मेयर है, मेयर के खिलाफ हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। बहुत बढ़िया, तुमको लगता है पुलिस हमारी बात मानेगी? हमें उल्टा दो चार डंडे मारेगी। नहीं, इसको सुनना, जा तू पुलिस के पास जा, आगे आगे, मैं पीछे से आता हूँ, मेरे को इधर का सब कुछ संभालना है। तू जा आगे, मैं आके सारा मामला संभाल के आ रहा हूँ। अभी लोग पहुँच गए, बात कर अब इससे। गुड मॉर्निंग, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग सर, हमें एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना है, हमें एक कंप्लेन लिखानी है। क्या बकवास कर रहा है, उनके बारे में कुछ भी मत बोल, वो अपने इलेक्शन के काम में बहुत व्यस्त है। अब ये अफवाह फैलाना बंद करो, ठीक है? अगर अगली बार ये अफवाह फैलाने की कोशिश की, अगर ये बात किसी से डिस्कस की, तुम्हारे घर में घुस के तुझे मारूंगा मैं, समझ में आया? वो हमारे अच्छे खासे मेयर है, उनके इज्जत पे कोई कीचड़ मत उछालो, उनका नाम मत खराब करो। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से अभी। किधर है वो? हाँ, आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। पुलिस से बात करनी है, पुलिस को कंप्लेन करेंगे। पुलिस उसकी जेब में लेके घूमता है वो, और उसके खिलाफ कंप्लेन करके कुछ फायदा हुआ? आप बोल रही है हाबट के साथ जाओ, मेरा भी यही प्लान था, हाबट को मारने आ रहे थे, मतलब उनका प्लान है हाबट को मारने के लिए, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। अरे आ रहे आ रहे आ रहे, अरे बैट, अरे बैट को अंदर रख, तो बैट को अंदर रखते हैं, इससे बात करते हैं। क्यों भाई, कैसा है? बॉस, कैफे कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आपने मेरी मदद करी इसलिए शुक्रिया। मैं भी तुझे घर छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। ओके ठीक है सर, आइए मेरे साथ। तो फिर अभी बाप रे उसको घेर लिया। ज्यादा शाना बन रहे तू, टाटा स्टूडियो भी बना दिया, उसका कैफे भी बना दिया, तेरे को डर नहीं लगता क्या? ओ तो तू भी आ गया, आ जाओ सबके सब, आ जाओ, सबको पिटूंगा आज मैं। रुको, ये सब कुछ करना बंद करो, छोड़ दो उसे। ओ तो आप भी पिटने के लिए आ गए, तो आज तीनों के तीनों पिटोगे। वो तोक अपने दो बंदों से लड़ रहा है, मुझे इस पहलवान से लड़ना पड़ेगा, इससे वैसे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ। अबे यार मेरे को मुक्का पड़ गया, तेरी ऐसी की तैसी, भागो भागो भागो। आई, अबे बाप रे, इसका अभी एक मुक्का पड़ गया, मैं मर जाऊंगा भगवान, इसकी ऐसी की तैसी मारो इसको। गया, ले बेटा ये पहला मुक्का, दूसरा तीसरा निकाल। आप दोनों ठीक तो हैं? हाँ शुक्रिया मदद के लिए भाई, शुक्रिया। ये दोनों तो अभी बहुत ज्यादा हद पार कर गए भाई, अभी इनका क्या करें? फिलहाल तो बॉस आप अपने घर जाओ, मैं इसको इसके घर छोड़ के आता हूँ। उम्मीद है हम भविष्य में फिर से एक साथ काम करेंगे। चलो भैया सो जाते, अभी उठ गया भाई उन मियोन और उस रोटी चच्चा से लड़ने के लिए, पहले कसरत करो अभी। और मेरी इतनी एचपी गई है, तो जाके जरा कुछ खा पी लेता हूँ, ताकि मेरी एचपी बढ़ जाए, बहुत मारा। ये लो ये इधर खड़ी है, क्या हुआ? अच्छा कैफे के बारे में जानकारी देनी आई है, तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल को सेट कर लेते हैं भाई, लग जा सीधा, लग जा भाई। चलो लगा दिया, अब वो भी अच्छा बोल रही है, कॉफ़ी मशीन की जानकारी देने के लिए बुला रही है, क्या हुआ? तो इसी तरह से फाइनली हमारा सिनेमा थिएटर कंप्लीट हो गया, और अपना तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फाइनली हमारे सिनेमा थिएटर में एक कैफ़े भी लग चुका है, जहाँ पर लोग आएंगे और हमारी कमाई कैफे से भी होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे फ़िलहाल कैफ़े में बहुत ज़्यादा काम है, पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आए हुए हैं, और ये सिनेमा थिएटर में के भी अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब भाई मैं ये क्या करूँ, इतने ज़्यादा टेबल मैंने पॉकेट में लगा दिए यार, कोई कैफ़े को मैनेज करने वाला चाहिए मेरे को। अब वो देखो गुस्सा होके जा रहा है, भाई आपके पहचान में कोई कैफ़े का कोई बंदा हो तो बता देना। अगले एपिसोड में इसका कोई एम्प्लॉय ढूंढेंगे अपन, ताकि वो हमारा कैफ़े भी संभाल सके।
तब तक के लिए अलविदा।